हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त हम दिल्ली करनाल हाईवे पर मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस ने इस हाईवे को स्वरूप नगर के पास दोनों तरफ से बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर कंटेनर लगा दिया गया है और आगे सीमेंटेड ब्लॉक्स लगाए गए हैं। इसके अलावा रोड के दूसरी तरफ भी जो है सड़क को बंद करने का काम अभी भी चल रहा है। आपको बता दूं कि सिंघू जो बॉर्डर है वो इसी सड़क पर आगे की तरफ मौजूद है, जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर आंदोलन चल रहा है। और अब दिल्ली पुलिस का जो ये कदम है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अगर आज की बातचीत बेनतीजा रही और किसानों ने दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश की तो उन्हें कई जगहों पर रोकने की कोशिश दिल्ली पुलिस के द्वारा की जाएगी। उसी के चलते इस तरीके की तैयारियां दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही हैं। सड़क के बीचों बीच कई जगहों पर इस तरीके से सड़क को बंद किया गया है कि ताकि किसानों के जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, जो ट्रक हैं, वो सड़क को क्रॉस ना कर पाए। कैमरामैन मनोज कुमार आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहां पर सड़क को बंद किया जा रहा है। आप ये देखिए, ये सीमेंटेड ब्लॉक्स लगा दिए गए हैं यहां पर ताकि किसानों की जो गाड़ियां हैं, जो ट्रैक्टर हैं, वो क्रॉस ना कर पाए। उसके अलावा कंटेनर भी यहां पर लगा दिए गए हैं क्योंकि पिछली बार जब हंगामा हुआ था तब किसानों ने क्रॉस करने की कोशिश की थी और अब पैरामिलिट्री फोर्स जो है और जो पुलिस के जवान हैं उनको भी यहां पर आगे बढ़ा दिया गया है। इस तरीके से कई जगहों पर दिल्ली पुलिस ने रास्ते को बंद किया है ताकि आगे जो किसान हैं वो दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर सकें। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।